वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, जानिए कितने पढ़े लिखे हैं आपके राज्य के मुख्यमंत्री, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। तो चलो पता चलेगा कि कितने पढ़े लिखे हैं। लास्ट टाइम ने वीडियो किया था, उससे पता चला था कितना पैसा है उनके पास, कौन टॉप के 10 जो है जिनके पास पैसा बहुत है। तो अब इसमें पता चलेगा कितने पढ़े लिखे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर व्हाट्सएप या फेसबुक पर एक मैसेज फॉरवर्ड होते रहता है जिसमें लिखा होता है कि जब एक चपरासी की नौकरी के लिए भी मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है तो फिर देश के सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि के लिए कोई मिनिमम शैक्षणिक योग्यता क्यों नहीं निर्धारित की गई है। उसी मैसेज में ये भी मांग की जाती है कि सरकार को चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन करनी चाहिए। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा कानून इन्हीं नेताओं को बनाना है और कोई भी नेता जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मारेगा, है ना। लेकिन दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के सारे नेता कम पढ़े लिखे हैं, बल्कि कुछ नेता तो इतने पढ़े लिखे हैं कि उनके आगे हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी कुछ नहीं है। बहरहाल, इस वीडियो में आपको भारत के सभी मुख्यमंत्रियों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हमारे देश में किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ 3 योग्यताओं की जरूरत होती है। पहला, उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। तीसरा, उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई उम्मीदवार अनपढ़ भी हो लेकिन अगर वह इन तीनों शर्तों को पूरा करता हो तो वह किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे, इसलिए हमने यहाँ कोई रैंकिंग तय नहीं की है, बल्कि उसकी जगह हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे। सारे स्टेट्स के। अच्छा, दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। 48 वर्षीय जगनमोहन रेड्डी ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से अपनी प्राइमरी शिक्षा पूरी की, जबकि हैदराबाद के निजाम कॉलेज से उन्होंने BCom और MBA किया है। इस तरह देखा जाए तो जगनमोहन रेड्डी ने मास्टर डिग्री हासिल कर रखी है और वो सबसे पढ़े लिखे CM में से एक हैं। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू के बेटे पेमा खांडू अरुणाचल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। ये भी भारत के अमीर मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। बात करें इनकी शैक्षणिक योग्यता की तो इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएशन पूरा किया है। दोस्तों, असम के 14वें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की भी गिनती भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में होती है। सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी के हनुमान बख्श कनोई कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स में बैचलर डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से LLB यानी कि वकालत भी किया हुआ है। दोस्तों, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में जीत कर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। उन्होंने साल 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना बन चुका है, से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, यानी अपने सुशासन कुमार उर्फ नीतीश बाबू राजनीति में आने से पहले इंजीनियर हुआ करते थे। दोस्तों, एक किसान परिवार में जन्मे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है। उन्होंने रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA किया है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले एक IRS अधिकारी थे। उन्होंने 1989 में IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम में क्वालिफाई करके 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस ज्वाइन किया और IRS ऑफिसर बने। दोस्तों, पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद सावंत वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर के गंगा एजुकेशन सोसाइटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने पुणे के तिलक महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ सोशल वर्क में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी हासिल किया है। दोस्तों, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। म्यांमार में जन्मे विजय रूपाणी की फैमिली म्यांमार के खराब राजनीतिक हालात के कारण 1960 में गुजरात के राजकोट में शिफ्ट हो गई थी।
विजय रूपाणी ने राजकोट के धर्मेंद्र सिंह जी आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की पढ़ाई पूरी की है और उसके बाद सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी हासिल की, यानी कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी एक वकील भी हैं। दोस्तों, पेशे से टीचर और किसान रहे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत आरएसएस प्रचारक के तौर पर की थी। हालांकि आरएसएस बैकग्राउंड से होने के कारण बहुत लोग उन्हें कम पढ़ा लिखा समझते थे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि खट्टर भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन पूरा किया है। दोस्तों, एक गरीब किसान फैमिली में जन्मे हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी पढ़ाई के रास्ते में गरीबी को रोड़ा नहीं बनने दिया। उन्होंने 1987 में हिमाचल के मंडी में स्थित वल्लभ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए किया। दोस्तों, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पटना हाई स्कूल से इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास किया और रांची के बीआईटी मेसरा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया, लेकिन उन्होंने डिग्री कंप्लीट किए बिना ही बीच में कॉलेज छोड़ दिया। सीधे शब्दों में कहें तो हेमंत सोरेन ने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। दोस्तों, कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संदेह के घेरे में है। 2013 के विधानसभा चुनाव के वक्त दाखिल एफिडेविट में उन्होंने खुद को बेंगलोर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट बताया था, लेकिन 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें उन्होंने खुद को 12वीं पास बताया है। इसलिए हम इस वीडियो में उनके लेटेस्ट एफिडेविट के आधार पर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12वीं पास ही बता रहे हैं। हो सकता है कि वो वाकई में ग्रेजुएट हों, लेकिन इस वीडियो में हम जो भी डिटेल आपको बता रहे हैं वो इन नेताओं द्वारा इलेक्शन के समय चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में पहले से मौजूद है और इसमें हम अपने से कुछ भी एक्स्ट्रा जोड़ या घटा नहीं रहे हैं। दोस्तों, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संदेह के घेरे में है। कई मौकों पर उन्होंने खुद को ग्रेजुएट तो कभी 12वीं पास बताया है, लेकिन अगर हम 2016 विधानसभा के वक्त दाखिल किए गए उनके एफिडेविट के आधार पर बताएं तो पिनाराई विजयन भी 12वीं पास हैं। उन्होंने साल 1963 में थलेसरी के गवर्नमेंट ब्रेनन कॉलेज से प्री यूनिवर्सिटी कोर्स यानी 12वीं किया था। दोस्तों, राजनीति में आने से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पेशे से किसान थे। उन्होंने भोपाल यूनिवर्सिटी जिसे अब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी कहा जाता है से 1982-83 में फिलॉसफी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। इतना ही नहीं, वो फिलॉसफी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से फोटोग्राफी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है। दोस्तों, नोंग थोम्बम बीरेन सिंह मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वह पेशे से फुटबॉलर रहे हैं और स्पोर्ट्स कोटा से उन्होंने बीएसएफ भी ज्वाइन किया था, लेकिन 14 साल तक बतौर सैनिक देश की सेवा करने के बाद उन्होंने बीएसएफ से रिजाइन कर दिया। बीरेन सिंह ने 1981 में मणिपुर यूनिवर्सिटी से अपना बीए यानी ग्रेजुएशन पूरा किया था। दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री पीए संगमा के सुपुत्र और मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का नाम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। उन्होंने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित वार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बीबीए किया है, जबकि लंदन के इंपीरियल कॉलेज से उन्होंने एमबीए की डिग्री हासिल की है। दोस्तों, मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जोरम थंगा भी ग्रेजुएट मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने साल 1966 में मणिपुर यूनिवर्सिटी के डीएम कॉलेज से बीए ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री निफू रियो अपने कॉलेज के दिनों से ही एक एक्टिव स्टूडेंट लीडर रहे हैं। उन्होंने साल 1978 में कोहिमा आर्ट्स कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए की डिग्री हासिल की थी। ये पास, ऑनर्स नहीं। दोस्तों, लगातार पांचवी बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक आने वाले समय में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा वीडियो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले टॉप 10 मुख्यमंत्री जरूर देखें। पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक के सुपुत्र नवीन पटनायक ने साल 1967 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की थी।
दोस्तों, पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री वेलु नारायण स्वामी के क्वालिफिकेशन के बारे में जानकर आप में से ज्यादातर लोग हैरान रह जाएंगे। उन्होंने दो बार ग्रेजुएशन और एक बार पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। नारायण स्वामी ने सबसे पहले साल 1969 में पुडुचेरी के टैगोर आर्ट्स कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने साल 1973 में चेन्नई के मद्रास लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी की पढ़ाई पूरी की, जबकि साल 2008 में तमिलनाडु के चिदम्बरम स्थित अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री भी हासिल की। दोस्तों, 1947 में जन्मे नारायण स्वामी ने 2008 में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल करके यह दिखा दिया कि पढ़ाई और ज्ञान प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती है। दोस्तों, पटियाला राजघराने से संबंध रखने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने देहरादून के दून स्कूल से 12वीं पास करके 1965 में नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लिया, जहां से उन्हें भारतीय सेना में कैप्टन के रैंक पर पोस्टिंग दी गई। वह 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भी भारतीय सेना का हिस्सा थे। हालांकि 3 साल की सर्विस के बाद उन्होंने आर्मी से रिजाइन कर दिया। चुनाव आयोग को दिए एफिडेविट में उनकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास दर्ज है। दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाईली क्वालिफाइड मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। उन्होंने साल 1971 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी और 1973 में इकोनॉमिक्स से एमए किया था। उसके बाद उन्होंने एलएलबी में एडमिशन लिया और 1976 में अपनी एलएलबी की डिग्री भी कंप्लीट कर ली। दोस्तों, पीएस गोले के नाम से मशहूर प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने साल 1988 में दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी ग्रेजुएशन पूरा किया था। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने कुछ समय तक सिक्किम में एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर भी काम किया। दोस्तों, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एडापड्डी के पलानी स्वामी भी 12वीं पास हैं। हालांकि उन्होंने तमिलनाडु के ईरोड में स्थित श्रीवसावी कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया था, लेकिन बीच में ही उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। दोस्तों, कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 1975 में मेडक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। हालांकि उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एमए में एडमिशन लिया था, लेकिन डिग्री कंप्लीट नहीं किया। दोस्तों, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देव को उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के लिए जाना जाता है। उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन उनके पेरेंट्स तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से रिफ्यूजी के तौर पर आए थे। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन साल 1999 में त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से पूरा किया था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े नियम कानूनों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। गोरक्षपीठ के मठाधीश योगी आदित्यनाथ को लोग महाराज जी के नाम से भी जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने संन्यास लेने से पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बीएससी की डिग्री हासिल की थी, यानी उन्होंने मैथ से बीएससी किया था। दोस्तों, आरएसएस के प्रचारक रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने पौड़ी गढ़वाल के हेमवती नंदन बहुगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। दीदी निकनेम से मशहूर पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने सबसे पहले कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से हिस्ट्री से बीए की डिग्री हासिल किया। उसके बाद 1977 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट किया। फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ही श्री शिक्षायतन कॉलेज से 1980 में बीएड की डिग्री भी पूरी की। साल 1982 में ममता बनर्जी ने कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री लिया। इसके अलावा उन्हें भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने डॉक्टरेट की उपाधि भी दी है। वहीं कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने ममता बनर्जी को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर यानी डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया है। इस तरह देखा जाए तो वर्तमान में सभी मुख्यमंत्रियों में ममता बनर्जी सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इन सभी मुख्यमंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए एफिडेविट में मौजूद डिटेल से ली गई है और इसमें हमने अपनी तरफ से कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था। उन्होंने हर स्टेट के जो हैं उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनकी क्वालिफिकेशन बताई। तो पहले मैं थोड़ा मतलब शुरू में उन्होंने क्लियर किया था, पर दिमाग में मेरे ये था कि टॉप 10 बता रहे, तो मैंने कहा है ये कहां से आ गए। फिर मुझे रियलाइज हो नहीं नहीं ये तो हर स्टेट के जो बने हुए हैं उनके बारे में क्वालिफिकेशन जो उनकी है वो बता रहे हैं। तो देख के मतलब देखा गया कि कितनी मतलब डिस्पैरिटी है एजुकेशन में। कई बहुत पढ़े लिखे हैं,
कई बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है, कईयों ने कभी कुछ बोल दिया अपनी एजुकेशन के बारे में, कभी कुछ बोल दिया, तो वो सब देख के शौक लगता है। पर ये इससे आप ये जज नहीं कर सकते कि एज अ पॉलिटिशियन या एज अ चीफ मिनिस्टर वो किस टाइप के हैं, अच्छे हैं कि नहीं है, क्योंकि इनमें से कई ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे भी हैं पर उनके काम नहीं अच्छे, उनके डिसीजंस नहीं अच्छे, उन्होंने जहां के हैं वहां पे कोई इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही, नेगेटिव सुनने को मिलता है। और कई ऐसे होंगे कि जो नहीं पढ़े लिखे पर वो एज पॉलिटिशियन देश के हित में, अपने स्टेट की बेनिफिट के लिए जो डिसीजंस ले रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। पर ओवरऑल ये जरूर होता है कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप थोड़े ज्यादा मतलब समझदारी से काम करोगे, मतलब आपका देखने का नजरिया और वो सब जो है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि एजुकेशन जो है आपके जो माइंड को खोलती है, आपको एक्सपोजर देती है, तो आप जो जो भी डिसीजन लोगे वो आप सोच समझ के लेते हो। जनरली मैं कह रही हूं, मैं सबके साथ नहीं कह रही हूं, पर इसमें एक क्वेश्चन मेरा था जब मैं वीडियो देख रही थी कि भाई ठीक है क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं, कईयों का बोला कि मास्टर्स है, कईयों का बोला बैचलर्स है, बीए किया हुआ है, पर क्वेश्चन ये भी होता है कि आपने किया कहां से है। Correct. अगर तो आपने बहुत अच्छी किसी इंस्टीट्यूट से किया है तो बात है, पर अगर आपने कहीं छोटे मोटे से किया, क्योंकि हमें सबको पता है कई जगह ऐसे है कि आप थोड़ा सा पैसा दे दो एडमिशन मिल जाएगी, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वहीं पे आपका अगर आपके पास है इतना पैसा देने को आपको डिग्रियां भी मिल जाएंगी, आप टेस्ट में भी पास हो जाओगे, सब कुछ हो जाओगे। तो बस ये बोलना कि भाई उनके पास ये डिग्री है वो डिग्री है वो इम्पोर्टेंट नहीं, कहां से की है। जैसे कईयों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से की हुई है मैंने सुनी थी, तो हिंदू कॉलेज तो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस है, तो उसका फर्क पड़ता है। और आपने किस चीज में किया और सब्जेक्ट किस में किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी बता रहे थे योगी जी ने मैथ में किया है, तो बहुत ही टफ है मैथ में, कोई ऐसे तो कर नहीं सकते, मैथ सब्जेक्ट ही इतना टफ है, तो वो सब मतलब ओवरऑल पूरा देखना पड़ता है। पर वीडियो काफी अच्छा था, काफी पता चला कि हमारे जो इंडिया में चीफ मिनिस्टर्स हैं कौन की क्या क्वालिफिकेशन है, और उसको और उनका अगर काम आपको पता है तो आपको थोड़ी जजमेंट हो जाएगी कि भैया क्वालिफिकेशन और काम से आपको कुछ आइडिया हो जाता है। राइट, और दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा फर्क ये होता है, क्योंकि ये वर्ड बाबा यूज करते हैं ग्रेजुएशन, तो यूएस में जो होता है बैचलर्स को ग्रेजुएट नहीं मानते, बैचलर्स अंडर ग्रेड माना जाता है, और अगर आपको ग्रेजुएट माना जाना है तो आपको मास्टर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो यूएस में है, जो मास्टर्स जिसने किया है वही ग्रेजुएट है, जिसने बैचलर्स किया वो ग्रेजुएट नहीं है, वो अंडर ग्रेड है। तो यहाँ पे थोड़ा और भी सिस्टम अच्छा किया हुआ है, टफ किया हुआ है कि ग्रेजुएट तभी है जिसने मास्टर्स है, और तकरीबन लोग होते हैं। मगर अब इसमें यह था, मुझे खुशी हुई थी कि मिस्टर जो केजरीवाल बोले थे उन्होंने आईआईटी से सर किए, वो बहुत अच्छी बात, वो तो मैं पहले से भी, मुझे तो पहले से पता था कि काफी अच्छी पढ़ाई की है, वो अच्छी बात है। और जिन्होंने योगी जी ने मैथ में किया है वो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप देखें, आप कंपेयर नहीं कर, कुछ भी कह लीजिए आप, मैथ फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री में जो बीएससी करता है उसे कंपेयर नहीं कर सकते, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में करते हैं या हिस्ट्री में करते हैं कंपेयर नहीं कर सकते। एक मतलब साइंसेस जो है डेफिनेटली ज्यादा टफ है कंपेयर टू अदर, तो उसमें उसको इसीलिए हम कह रहे थे कि आप बताइए बैचलर्स में किस चीज में किया है, क्योंकि जैसे उन्होंने बोला योगी जी का मैथ, उससे दम आता है कि वेरी गुड, तो बीएससी मैथ में है, तो वही है। तो मगर कई ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो काफी एजुकेटेड हैं, विच इज अ गुड थिंग, उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनके पास नॉलेज है, वो गवर्न ज्यादा अच्छा कर सकेंगे। जिनके पास नॉलेज मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है उनको थोड़ी डिसएडवांटेज तो है ही, मैं तो ये कहूंगा जितनी नॉलेज आपके पास है आप में एडवांटेज आती है, आप कंट्रोल अच्छा कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज अच्छा कर पाएंगे, आप अपने अंडर जो लोग हैं वो आपको उल्लू नहीं बना पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके अंडर जो लोग होते हैं वो एडवांटेज लेते हैं अगर आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर भी काफी अच्छा वीडियो था, वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, पर एजुकेशन के साथ स्ट्रीट स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।